और अब बात अगली बड़ी खबर की करेंगे। मध्य प्रदेश में कैबिनेट बैठक आज है। सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि आदिवासियों को बड़ी सौगात मिल सकती है मोहन कैबिनेट में। तो बड़ी खबर, जहां पीएम जनमन आवास योजना को मंजूरी मिल सकती है, तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट की आज एक और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव जो पटल पर रखे जाएंगे और ऐसे में मध्य प्रदेश वासियों के हित में कैसे विकास कार्य को गति दी जा सकती है उसको लेकर इस कैबिनेट की बैठक में तमाम जो आला नेता हैं उनके बीच चर्चा होगी और उसके बाद उन प्रस्तावों को पारित किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा जा रहा है, जो खबरें लगातार मिल रही है कि आदिवासी वर्गों को एक बड़ी सौगात मोहन कैबिनेट की तरफ से दी जा सकती है। आदिवासी वर्गों को कैसे साधा जा सकता है आने वाले समय के लिए, उसको लेकर अभी से प्लानिंग यहां पर की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, जिसके चलते एक बड़ी सौगात इस कैबिनेट की बैठक में आदिवासी वर्ग को देखने को मिल पाएगी, जहां आदिवासियों को कई बड़ी सौगातों से नवाजा जाएगा। साथ ही आपको बताया कि पीएम जनमन आवास योजना को भी इस दौरान मंजूरी मिल सकती है ताकि लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभ मिल सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। गौरव, मोहन कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है, इस बैठक में क्या कुछ खास और वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहने वाले हैं जिसको आज पटल पर रखा जाएगा और मोहन कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी? देखिए, बिल्कुल, मोहन कैबिनेट की आज बैठक है, 11 बजे बैठक मध्य प्रदेश के मंत्रालय में शुरू होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश के जो आदिवासी अंचल हैं, चाहे मंडला हो, डिंडोरी हो, छिंदवाड़ा हो, धार, झाबुआ, शहडोल, ये तमाम जो आदिवासी इलाके हैं, यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ आदिवासियों तक मिले, आदिवासियों के परिवारों को उसका लाभ मिले, इसको लेकर भी आज एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। मध्य प्रदेश के सरकारी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे लंबित करीब 8 प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। जो जांच लंबित है, ईओडब्ल्यू में हो चाहे लोकायुक्त में है, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे, जो मामले दर्ज हैं, उन पर भी आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। और तीसरी बड़ी बात ये है कि अब लोकसभा चुनाव है, उससे पहले कर्मचारियों को किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता को सरकार खुश कर सके, उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर आज कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अब बिल्कुल देखिए, कई ऐसे प्रस्ताव जो पटल पर रखे जाएंगे उसका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वासियों को जाहिर तौर पर इंतजार है। लेकिन अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए, खबरें ये भी मिल रही है कि आदिवासियों को यहाँ पर एक बड़ी सौगात से नवाजा जा सकता है, वो कौन सी बड़ी सौगात, वो कौन सा बड़ा प्रस्ताव रहने वाला है आदिवासी वर्गों के हित में? देखिए ऋतु, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना को आज मंजूरी मिल सकती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया था और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, वो बात अलग है कि 15 महीने के बाद सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तो इस बार के 2023 के चुनाव में आदिवासी वर्ग का वोट, अब बिल्कुल गौरव लौटूंगी मैं आपके पास।